everyone, welcome back to the channel and welcome back to yet another video related to the Interceptor 650 Orange Crush right there. So guys, आज के particular video में मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूँ जो इस particular bike में accessories लगी हुई हैं and owner आज मेरे साथ ही है. Delivery video तो आप लोगों ने देखा ही था ना, वही वाला same owner है, बदला नहीं है. Owner जी, वेलकम है जी. वेलकम है जी, आपके चैनल पे आ जाओ जी. बहुत बार आए हैं, बहुत बार चैनल पे आए हैं, गाड़ी लेकर बाइक लेके आ गए अपनी. हाँ, अपनी 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 अपनी. ये देखो जी, इंटरसेप्टर मस्त लग रही है. बहुत अच्छी. तो आप जरा डिटेल बताना स्टार्ट करो कि आपने इस पर्टिकुलर बाइक पे क्या क्या काम किया हुआ है. मैंने रॉयल एनफील्ड में लेने से पहले बाइक लेने से पहले एसेसरी इसकी मंगवा ली थी और एसेसरी के साथ ही मैंने लोड करवाई थी बाइक. तो जैसे कि कलर जो है ये ऑरेंज क्रश है, फर्स्टली कलर अच्छा है. इसके अंदर बेकर एक्सप्रेस ये कलर आता है बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा था, बट इसका कलर भी मुझे अच्छा लगा बेस के अंदर. एंड एसेसरीज की अगर मैं बात करूँ तो मैंने सबसे पहले ये हेडलाइट ग्रिल इंस्टॉल करी है इसकी, MIG की. इसके अंदर 2 से 3 क्वालिटी आती है, सेम एज इट इज़ आपको दिखेगी, बट उसके अंदर इसके जो फिनिशिंग दिया हुआ है और इसकी जो बोल्डनेस है, थिकनेस है, वो बहुत अच्छी है. MIG की अगर आप लोगे तो आपको 1200 से 1300 रुपए की मिल जाएगी. हाँ, मैं यही कहने वाला था कि प्राइस बताना हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत जरूरी है. ये 1200-1300 की आपको ग्रे मिलेगी. बेसिकली ये पेंट मैंने किया हुआ है खुद ही, और अगर आप सेम ऐसा बैश जैसे मैंने बैश प्लेट इसमें लगवाई है, ये आपको महंगी मिलेगी, ये 2 से 2500 रुपए की आएगी जाना की. बैश प्लेट सबसे बेस्ट यही है. वैसे जाना की अगर बात करें तो जाना की इसमें लेग गार्ड वगैरह लगा और लेग गार्ड की लिटरली क्वालिटी काफी अच्छी है. प्रमोशन वीडियो नहीं है जाना का, बट जाना की क्वालिटी अच्छी है तभी बता रहे हैं. जिस कंपनी की लगी हुई वो मैं बता रहा हूँ कि कौन सा बेटर रहेगा ऑप्शन लेना आपको सीरियसली. तो ये रेटर ग्रिल की बात करें तो आप इसके अंदर जाना का अगर आप लोगे तो वो 1800 से 1900 रुपये का मिलेगा, बट आप ये लगवा सकते हो इसके अंदर. ये आपको 1100-1100 की मिल जाती है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी. एंड ये भी मेरे ख्याल MIG की ही है और ये जाना का आपको मिलेगा. और जाना का लेग गार्ड मैंने इसमें लगवाया है. लेग गार्ड अगर आप जाना का लेने जा रहे हो तो यही लेना, क्योंकि अब ये मिलता कम है और ये 3500 रुपये का आपको मिल जाता है. हाँ, इसमें शाइनिंग भी आता है और मैट भी आता है. हमारे फ्रेंड ने मैट वाला मैंने मैट लगाया हुआ है एक बाइक के अंदर, शाइनिंग मैंने देखा हुआ है जाना का सेम ऐसा, बट ये मैट लगवाओ तो ज़्यादा अच्छा लुक देता है. ये थोड़ा सा कॉस्टली है, 100-200 रुपए. तो गाइज, आजकल आप लोगों को पता है रेनी सीजन चल रहा है, जिस पर्टिकुलर एरिया में है कीचड़ से भरा हुआ है, तो यहाँ तक बाइक लाने के चक्कर में थोड़ी सी ना नीचे से गंदी हो गई है बाइक. सो प्लीज फॉरगिव अस फॉर दैट, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती नहीं है और हो भी नहीं सकती. एंड एक्सेसरी की एक और बात करें तो ये एक बैकरेस्ट है सेकंड पायलन के लिए, सबसे बेटर चीज़ है अगर आप दो बंदे राइड करते हो. एक्जैक्टली, इसकी सीट की लेंथ कम है तो दो जने बैठना लेटर था. आप फैमिली के साथ कोई जाता है, आपके घर में कोई वाइफ जाती है, मदर भी जाती है, कोई ऐसा कुछ है, तो ये बैकरेस्ट सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छी क्वालिटी का. ये भी एसएस के अंदर आपको मिलेगा स्टील के अंदर और ये 1300 रुपये के आसपास, 1400 के आसपास आपको मिल जाता है. सबसे बेटर बैकरेस्ट है ये अगर लगवाना चाहो लगा सकते हो. थोड़ी सी लुक भी पीछे से इसकी हार्ले सॉफ्ट टेल जैसी सी फील होती है, बट इसके अंदर स्क्रैमर वाली रेल आती है कंपनी की, वो मुझे बेकार लगा ऑप्शन. वो तो वेस्ट ऑफ मनी के हिसाब से है, अगर उसको लगा के रखोगे तो वो फायदा भी नहीं है. वो बेसिकली गाइस ये है कि बंदा कोई पीछे बैठे तो पकड़ ले, उसके लिए दे रखा है, कंफर्ट नहीं है. अभी मैं एक्चुअली इसको पहले राइड करके आया हूँ तो मैं यहाँ पे था, लिटरली यहाँ पे आ रहा था. ये ना होता ना, बहुत अच्छा सपोर्ट है इस बैकरेस्ट का. हाँ सीरियसली, और ये ना होता ना, मैं हो सकता है एक बार झटके में नीचे गिर जाता. एंड क्योंकि सीट की लेंथ एक्चुअली ये 2 सीट नहीं है, 1.5 सीट ही मानो इसे. हाँ, 1.5 सीट कह सकते हो. हाँ, दो बंदे अच्छे हैवी नहीं आ सकते. हाँ, मतलब हम जैसे दो बंदे आना इसमें मुश्किल है. अगर ये ना हो तो ये ना हो, गिरने का डर रहता है. एंड एक और चीज के अंदर लगे थाई पैड लगे हुए हैं इसके अंदर. थाई पैड ये प्री इंस्टॉल नहीं थे? नहीं, ये नहीं आते, ये लगवाए हुए हैं. और इस ये थाई पैड ही 800 से 900 रुपए का है. इसके अंदर 200-300 वाले भी आता है. अच्छा, ये थाई पैड 800 से 900 का है और कई लोग सोचते इसका यूज नहीं है. इसका बहुत अच्छा यूज है. थाईज आपकी जब आप स्पीड में राइड करते हैं 100-150 के बीच में राइड करोगे, 100-150 के बीच में जब आप राइड करोगे तो ये थाई पैड थाई में काम करता है. बहुत अच्छा है ये पैड, ये लगवा सकते हो. क्वालिटी आप यही रखना इसके अंदर तो ज्यादा बेटर है. हाँ नहीं, जब हम राइड कर रहे हैं ना तो मेन इसको ये सपोर्ट करता है. ये मैं बैठ के दिखाऊं? राउंड के लिए नहीं है, बैठ के दिखाऊंगा. ये थाई जो है हम इसको चली जाती है और ये ग्रिप बना लेते हैं अपने थाई पे जाके, जैसे कि आप ये देख रहे हो. तो जब हम राइड कर रहे हैं ये पोजीशन के अंदर है और स्पीड फास्ट है तो थाई पे ग्रिप रहती है. ऐसे नहीं कि थाई ऐसे हो जाएगी, ऐसे रहेगी. और बाकी तो ये लगा हुआ आता है इसके अंदर हैंडल कंट्रोलर, तो हमारे को एक्सेसरी में नीड नहीं है. ये लगा हुआ आपको मिलेगा. तो ये एक्चुअली इसलिए ना, अगर भाई बाय चांस गिर जाए तो ये हैंडल नहीं मुड़ेगा. हैंडल नहीं मुड़ेगा, सपोर्ट इसलिए दे रखा है इन्होंने. बाकी तो सब प्री इंस्टॉल्ड है जो जो है इसके अंदर, काफी इतनी एक्सेसरीज की नीड नहीं है. सो एक्सेसरीज की गाइस डिटेल तो यहाँ पे हो गई हमारी, जितनी भी चीजें थी इसमें सारी पता कर ली है मैंने. और अब एक चीज और पूछते हैं, आपको बाइक लिया आई थिंक 2 महीने हो चुके हैं. कितनी किलोमीटर चला लिया आपने? 1700. बहुत ही सही है. तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका कैसा है इतने किलोमीटर के बाद? देखो, राइड करने में कोई दिक्कत नहीं है, इजी है राइड करना. और अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं लंबे रूट पे भी हम जाते हैं राइड के लिए, तो अच्छा है इसका पिकअप वगैरह का, स्पीड के लेके कम करते, कंट्रोल अच्छा है बाइक का.
और बाकी अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूँ, फर्स्ट सर्विस आपकी इसको अप्रोक्स 3000 की पड़ती है 500 किलोमीटर पर जो फर्स्ट सर्विस होती है। हाँ एक्जैक्टली, मैं ये भी पूछना चाहता था, थैंकफुली भाई ने खुद ही बता दिया। सर्विस में क्या क्या किया था फर्स्ट सर्विस में? इंजन ऑयल और ये अपना ड्राई वॉश करते हैं एंड चेन वगैरह ब्रेक्स वगैरह सब चेकअप करते हैं, सारी चीज़ें होती है। मेन इंजन ऑयल का ही कॉस्ट है इनका, तो वो आपको महंगी पड़ती है। सेकंड में 5000 रुपये वो टेस्टिंग के लिए होती है, वो सस्ती है, खाली चेन स्प्रे वगैरह करके दे देंगे आपको 5000 किलोमीटर पे। एंड 10000 पर उन्होंने मुझे नेक्स्ट सर्विस के लिए बुलाया है, उसके अंदर सेम वही कॉस्ट बैठेगी 3000 रुपये के आसपास। बेसिकली सर्विस इसकी ऑयल के वाले में महंगी है। देखा जाए तो 650 cc के हिसाब से 3000 रुपये भी मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है। नहीं मैं, हाँ वो ज़्यादा नहीं है। सर्विस में फ्री सर्विस है, पेड सर्विस है? नहीं पेड सर्विस, ऑयल वगैरह के बाकी वो फ्री है। नहीं मतलब लेबर चार्ज की बात है, लेबर चार्ज अभी फ्री मिलेगी आपको। कितने कितने सर्विस फ्री है? 4 फ्री है। That's good to know, क्योंकि आजकल कई ब्रांड्स हैं, स्पेशली BMW की हो गई तो या फिर एक दो ब्रांड्स और हैं, उन्होंने एक्चुअली फ्री सर्विस देना बंद कर दिया। ब्रेक पैड बहुत महंगे बनाए हैं इन्होंने। ब्रेक पैड क्या प्राइस? ब्रेक पैड इसके 3000 रुपए का अप्रोच पड़ेगा। 3000 रुपए का ब्रेक पैड लिटरली आपको 12000 किलोमीटर में चेंज हो जाएंगे, 10 से 12000। लाइफ भी कम है, लाइफ भी कम है, क्योंकि मेन ब्रेकिंग ही इसके अंदर मेन उन्होंने बनाई है, तो उसके कॉस्ट भी काफी होगी। देखा जाए तो बाइब्रे के ही ब्रेक पैड्स हैं इसके, मेरे CBR के भी हैं, तो उसका और इसमें प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज़्यादा। और कुछ है जो आप बताना चाहते हो इस पर्टिकुलर बाइक में कोई प्रोस्पेक्टिव बायर के लिए? क्वालिटी की बात करूँ? क्वालिटी की बात हम जरा स्टैंड अलोन वीडियो में देंगे आपको, एक्चुअली कुछ है इश्यूज तो वो बताएंगे, तो स्टैंड अलोन वीडियो जरूर देखना। सो एनीथिंग एल्स यू कुछ बताना चाहोगे? नहीं अभी तो कुछ नहीं है, बाकी और टेस्टिंग करूंगा तो पता चलेगा। हाँ एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, पिरेली के टायर जब से इन्होंने निकाल दिए वो बहुत बड़ी गलती करी इन्होंने। हाँ सीरियसली, पिरेली और C8 में बहुत फर्क है यार, बिल्कुल जीरो है इस पर्टिकुलर मॉडल में। ये BS6 2021 मॉडल है, इसमें हमें C8 के टायर मिले थे, अब C8 ही मिल रहे हैं आपको, उससे पहले पिरेली मिलता था। मैंने उसमें राइड करी है, मतलब समझ लो 50% का डिफरेंस आपको मिलेगा। That's a huge difference, guys. That's a huge difference. मतलब उसको आप जब बेंड कर रहे हो तो उसका पता चल जाएगा आपको, इसका पता चल जाएगा, गिरने का डर लगता है कहीं ना कहीं, तो यही तो फर्क है। जबकि ये C8 के टायर्स भी काफी एक्सपेंसिव टायर्स है, कोई सस्ते टायर नहीं है ये, पर मजे उतना मजा नहीं। और पिरेली पिरेली है फिर ये तो है। एंड इसमें पीछे अभी मुझे बात बताना, मैं देखना चाहता था कि इसके अंदर रेडियल टायर है नॉर्मल है? नहीं इसमें नॉर्मल टायर है, नॉर्मल टायर है। RTR 200 के अंदर पीछे का टायर रेडियल आता है, इंटरसेप्टर में नहीं दिया कंपनी ने, दैट्स एक्चुअली सैड। कॉस्टिंग है, लिटरली कॉस्टिंग है कि 18 इंच का व्हील है, 130/70 एंड दिस इज नॉट R18, दिस इज जस्ट नॉर्मल 18, नॉट गुड, नॉट गुड। चलो बाकी इसमें इंजन फैंटास्टिक है, इतना मुझे पता है, इंजन की नो डाउट, बट लॉक किया हुआ अभी मीटर, आप 150-155 से ऊपर नहीं जा सकते, पहले के इंटरसेप्टर आपकी 170 अप्रॉक्स जाती थी। हाँ ये BS6 में मेरे ख्याल से कर दिया, ये 2021 एडिशन से किया होगा, 2021 मतलब BS6 से जितने भी प्लेटफॉर्म है हम सब में किया हुआ है। अच्छा BS4 में आप चला लोगे आराम से 170। बेसिकली पता क्या, ये जो पर्टिकुलर इंजन है ना, काफी एयर ऑयल कूल्ड है, ये लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं है, उस वजह से शायद लॉक किया हो, कुछ ना कुछ पर्पस से किया हुआ, सिक्योरिटी सिस्टम से भी कह सकते हैं, जो चल रहा है सेफ्टी, क्योंकि टायर भी छोटा है ना स्पीड के लिए, उस वजह से लॉक कर दिया। So, I think we have covered each and everything, accessories and first impression के अंदर, and कुछ और होगा guys, तो वो आपको multiple videos के अंदर पीछे आगे मिलता रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो पूरी series आनी है यार। So, Shivam bro, thank you so much for this particular video. Left side camera पकड़ लो। कोई गल नहीं। चल। And आप notice करो guys, एक जने ने मास्क नहीं पहना हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं, बस मेरी आदत पड़ चुकी है, तो मैं इसलिए पहन लेता हूँ। So, ठीक है। चलो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इंटरसेप्टर की पूरी सीरीज देख सकते हो, इसके अलावा करंट बैक्स बहुत अच्छा चैनल पे, एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी या, हैव लॉट्स ऑफ फन।